हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, और ये क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भरना है। जो नाउन और प्रोनाउन के प्लेसेस को बताते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीपोजिशन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला है इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली डैश इन द मॉर्निंग। ठीक है ना, तो आज बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है। कब से हो रही है? सुबह से। तो मॉर्निंग के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस। द शिप इज़ बाउंड डैश यूके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर यूके, यानी कि शिप जाने वाली है कहाँ पे? यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड जाने वाली है। यू मस्ट लिसन टू डैश द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लिसन के साथ हमेशा यूज़ होता है आपका टू। ठीक है, तो ऐसे ही याद कर, लिसन के साथ टू, लिसन टू मी, जैसे आप सुनते होंगे बार बार लिसन टू मी, तो लिसन कहीं भी आता है तो टू का यूज़ करेंगे। बुक्स वर स्कैटर्ड डैश द रूम, तो बुक जो है वो फैली हुई है पूरे रूम में, यानी कि आसपास, तो यहाँ इसके लिए यूज़ करते हैं अक्रॉस। 5 नंबर क्वेश्चन, माई फ्रेंड वॉज लर्निंग डैश द न्यूली पेंटेड पिलर। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा? अंगेज्ड। ठीक है ना, क्या होगा? अंगेज्ड। द एम्बुलेंस स्पीड द डैश हॉस्पिटल, यानी कि एम्बुलेंस बहुत ही तेज जा रही है। किस तरफ जा रही है? हॉस्पिटल की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे यूज़ होगा टूवर्ड्स। 7 नंबर, ड्यूरिंग रेनी सीजन पिकॉक्स डांस डैश जॉय, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? विथ जॉय, यानी कि जब बारिश का मौसम आता है तो पिकॉक जो होते हैं, मोर जो होते हैं, वो क्या करते हैं? बहुत ही खुशी से डांस करते हैं। फिर है 8 नंबर, देयर इज अ लॉन्ग क्यू डैश द आइसक्रीम काउंटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लेस को बता रहा है कि आइस काउंटर जो है वो कॉर्नर में है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एट। फिर है 9 नंबर, आई एम नॉट फेमिलियर डैश द बोटेनिकल नेम ऑफ द ब्यूटिफुल फ्लावर, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे विथ। ठीक है ना, राहुल एक्टेड डैश द ब्रदर एडवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपॉन का, यानी कि वो अपॉन का मतलब क्या होता है? निर्भर होना। ठीक है ना, मतलब उसकी बातों पे एग्री कर जाना। अब यहाँ पे आते हैं 11 नंबर, द चिल्ड्रन आर बिजी डैश देयर होमवर्क, तो वो बिजी हैं किसके? अपने होमवर्क के साथ, तो साथ के लिए हम यूज़ करते हैं विथ देयर होमवर्क। विथ का मतलब ही होता है साथ में। ठीक है, मदर टेरेसा हैज़ ग्रेट जील ऑफ सोशल वर्क। ठीक है ना, तो ये इनको बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, तो इनके लिए क्या होगा? फॉर यूज़ होगा। फॉर का मतलब होता है के लिए। ठीक है ना, तो ये सोशल वर्क के लिए थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या है? एवरी चाइल्ड मस्ट गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द एजुकेशन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर। माई सिस्टर इज़ जूनियर डैश टू मी, तो देखिए जूनियर यानी कि जब कंपैरिजन करते हैं दो लोगों में, तो यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे। फिर है 15 नंबर, लेट्स लिसन टू द स्टोरी डैश टॉकिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विदाउट, यानी कि आप मेरी स्टोरी को ध्यान से सुनिए बिना बात किए हुए। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द पैसिव द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे लिखेंगे इंडिया इज द लैंड डैश टूरिस्ट एंड पिलग्रिमेज, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इंडिया जो लैंड है वो टूरिस्ट और पिलग्रिमेज का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ। 17 नंबर में क्या यूज़ करेंगे? मोस्ट ऑफ आवर होली प्लेसेस वेदर डैश द हिल्स और डैश द प्लेन्स आर जनरली सिचुएटेड डैश द रिवर बैंक्स, तो देखिए 17 में हम क्या भरेंगे दोस्तों? 17 में हम भरेंगे ऑन। क्या भरेंगे? ऑन भरेंगे। 18 में हम क्या भरेंगे? इन भरेंगे। ठीक है, अगला है यहाँ पे 18, 19 में देखिए क्या है? आर जनरली सिचुएटेड डैश द रिवर बैंक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अलोंग। फिर है 20 नंबर, 20 नंबर द रिवर बैंक्स डैश द सी, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? बिसाइड द सी, यानी कि समुद्र के बगल में। फिर है 21, 21 का हम लिखेंगे इंडियंस हु हैव ग्रेट फेथ इन गॉड, तो गॉड के अंदर, गॉड में फेथ है लोगों का, विश्वास है। फिर है विजिट दिस प्लेसेस डैश पिलग्रिमेजेस, तो यहाँ पे हम 22 में क्या भरेंगे? यहाँ पे भरेंगे आपका फॉर। ठीक है ना, चलिए अब 23 पे आते हैं। 23 क्या है? इवन द विजिटर्स एंड ट्रेवलर्स डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रॉम। ठीक है, 24 में हम क्या लिखेंगे? ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू हेयर डैश स्पिरिचुअल मेंटल पीस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर। ठीक है, 25 में लिखेंगे दे आर फील सरप्राइज डैश द
ब्रेथ टेकिंग सीनरी फॉर द इंडियन माउंटेन्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एट। ठीक है, अब अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन करते हैं, हॉट्स क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, डैश द टाइम वी रीच द स्टेशन दे वर गोन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई द टाइम वी रीच द स्टेशन आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस सॉन्ग डैश टू माई फ्रेंड, तो ये हो जाएगा टू। ठीक है ना, अगला है आपके सामने, रिया इज नॉट डैश होम डैश द मोमेंट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट, यानी कि वो अपने घर पर नहीं है, ठीक है, और ना ही वो उस मोमेंट में है। लेट प्रोसीड डैश द मीटिंग, तो यहाँ पे होगा विथ। फिर 30 नंबर, डोंट ट्राई टू कवर डैश योर मिस्टेक नाउ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डोंट कवर अप। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, साथ ही साथ मेरा गूगल पे नंबर, अगर कुछ पे करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइएगा। फाइनली वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।